सभी रसगुल्लों ने बिल्कुल सही आंसर दिया भाई साहब, कोई कमी नहीं आंसर देने में। अब ना भाई साहब बात ऐसी है कि मान लो वन प्लस, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज 45 डिग्री देन वन प्लस टेन अल्फा वन प्लस टेन बीटा की वैल्यू 2 होती है भाई साहब, ये फॉर्मूला है। लेकिन हम क्यों याद रखें फॉर्मूला, पोल देंगे आराध्य, पोल देंगे, मैंने वादा किया था ना शुरू के 5 मिनट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा फिर पोल दूंगा। ये फॉर्मूला है, हमने देखा इसका सम 45 डिग्री है तो आंसर तो 2 आना चाहिए। लेकिन फॉर्मूला याद है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर फॉर्मूला याद है फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है, बात समझे। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो परेशानी है। तो क्या करेंगे, हमारे पास 1 डिग्री है, हमारे पास 45 डिग्री है, तो टोटल 45 डिग्री है। अब हम एक काम करते हैं, इन एंगल्स को कुछ इस तरह से शिफ्ट कर लो जो आपकी नॉलेज में हो। मैं इसकी जगह 0 ले लेता हूं, इसकी जगह 45 ले लेता हूं, बात समझ रहे हो। चल तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन 0, 1 प्लस टेन 45, सम 45 होना चाहिए भाई साहब। 10 0 इज 0 और 1 प्लस 10 1 इज 1, तो टोटल कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। तो शिफ्टिंग ऑफ एंगल का ये फायदा है मेरे शेरो कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, एंगल्स को अपने हिसाब से शिफ्ट कर दो। जैसे आप परीक्षित कह रहे हैं कि सर 30 प्लस 15 कर दें तो हो जाएगा, लेकिन क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फिर सॉल्व करना, ठीक है। चलिए तो करते हैं केवीएम की शुरुआत। ये था कंसेप्ट, मैंने सबको समझाया ताकि सब लोग बराबर रहें,